दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके बचपन के फेवरेट कार्टून शोज के पीछे की असलियत। डोरेमोन, शिनचैन या निंजा हथौड़ी जैसे कोई भी कार्टून शोज जो आप बचपन में देखा करते थे, असल में ये सभी कार्टून शोज रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे और इनके क्रिएटर्स ने रियल लोगों के ऊपर ही ये कार्टून शोज बनाए थे। तो फिर चलिए जानते हैं इन कार्टून शोज को बनाने के पीछे की असली कहानी क्या थी। डोरेमोन हमारे बचपन का सबसे फेवरेट कार्टून शो हुआ करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन एक 10 साल के जापानीज लड़के के ऊपर इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। जापान में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम भी नोबिता था, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक ना होने की वजह से वो डोरेमोन नाम के एक बिल्ली को इमेजिन किया करता था और वो मानता था कि वो बिल्ली हमेशा उसके साथ ही रहती है, जिससे उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और उसे पता चला कि डोरेमोन नाम का कोई उसका दोस्त है ही नहीं, तो इस बात से वो इतना ज़्यादा शौक हो गया कि उसने खुद को ही गोली मार ली। हमारा दूसरा फेवरेट कार्टून शो हुआ करता था शिनचैन। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि शिनचैन भी एक रियल लाइफ के बच्चे पर इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। शिनचैन और उसकी छोटी बहन हिमावारी नाम के दो बच्चे जापान में एक कार एक्सीडेंट के वजह से मारे गए थे, जिससे उनकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपने बच्चों की याद में उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहा करती थी, इसलिए उनके पति हिरोशी नोहारा उसे अक्सर हॉस्पिटल में लेकर जाया करते थे। और यहीं पर शिनचैन के क्रिएटर को शिनचैन नाम के बच्चे की वो तस्वीरें मिलती है, जिससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने शिनचैन कार्टून को बनाया। हमारा आखिरी कैरेक्टर है निंजा हथौड़ी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि निंजा हथौड़ी नाम का एक निंजा वाकई में जापान में रहा करता था। वो 16वीं शताब्दी का एक बहुत ही फेमस निंजा था और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनसे इंस्पायर्ड होकर निंजा हथौड़ी के क्रिएटर ने निंजा हथौड़ी कार्टून को बनाया। वैसे दोस्तों आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स के बारे में पहले से ही पता था और आपका इनमें से फेवरेट कार्टून शो कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।